नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे शराब से जुड़ी हुई खबरों के साथ, क्योंकि शराब को लेकर बिहार सरकार लगातार एक्शन में है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से एक खबर सामने आई है जिसमें कहा गया कि शराब पीने वाले हो जाए सावधान। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार एक्शन के मूड में है। लगातार छापेमारी की जा रही है और शराब तस्करों को पकड़ने की योजना भी बनाई जा रही है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन लगातार छापेमारी भी कर रही है। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग ग्रामीण इलाकों में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रही है। बता दें कि अब सरकार की नज़र शहरी इलाकों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी होगी, जिससे कि अब गांव में भी मॉनिटरिंग की जा सके। अब इधर पंचायती राज विभाग ने यह तय किया है कि हर पंचायत में लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी मदद से गांव के कोने कोने में शराबबंदी पर नज़र रखी जाएगी और शराब तस्करों पर आसानी से नज़र रखा जा सकेगा। इससे यह भी पता चल सकेगा कि यह शराब जो है कहाँ से लाया जा रहा है और इसको कहाँ खपाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि जब हर गांव में सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो अवैध धंधा करने वाले लोगों पर नज़र रखना आसान हो जाएगा। बिहार में कुल 8,471 पंचायत हैं और हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी पूरी हो गई है, जो कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने में एक बड़ा कदम हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से सरकार लगातार एक्शन में है और शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर छापेमारी भी कर रही है। इतना ही नहीं, छापेमारी अभियान को चालू भी कर दिया गया है। बिहार सरकार गांव के साथ साथ अब बॉर्डर इलाकों में भी सघन जांच अभियान चलाने की बात कह रही है। ऐसे में दूसरे राज्य से आने वाले शराब को पकड़ने को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में शराब से भरी हुई कई कंटेनर पकड़े गए हैं। बिहार सरकार शराब से जुड़े हर मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो एक तरह से कहने की अब बिहार सरकार जो है शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी शराब तस्करी से जुड़े हुए मामलों को लेकर एक्शन में है और अब गाँव में भी जो है सतर्कता बरती जा रही है। पंचायतों में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है। हर पंचायत में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि यह पता चल पाएगा कि शराब कहां से लाया जा रहा है और कहां खपाया जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।